गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास वन का चैप्टर सेवन का पार्ट टू लाइन पार्ट वन हुआ था अगले टाइम में, और कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन बाकी है, आप लोग का क्वेश्चन का आंसर करवाना है। तो ख तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, और आज यहाँ पर ग का होगा, ग घ अंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, आपका क्वेश्चन दिया गया है, आंसर देखिए, वचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। बहुवचन से आप क्या समझते हैं, बहुवचन देखिए यहाँ पर दिया गया है, या प्लूरल नंबर, इसको इंग्लिश में प्लूरल नंबर कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसको क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। और एग्जांपल लिखिएगा, केले, लड़के, टोकरियाँ, कुर्सियाँ। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है ना, आप लोग बुक कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि इसमें बुक में हो नहीं पाएगा, पूरा नहीं लिख पाइएगा, कम पड़ जाएगा जगह। तो आप लोग बुक में नहीं लिख कर कॉपी में, और जिसकी राइटिंग अगर छोटी होती है तो यहाँ पर लिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं लिख पाते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में लिखिएगा क्वेश्चन आंसर, बाकी जो MCQ है बुक में कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान पर लिखना है, देखिए एक वचन में क्या है, चूहा, बहुवचन चूहे, अंडा अंडे, ताला ताले, इस तरह करके लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए, घोड़ा घोड़े, संतरा संतरे संतरा, चींटी चींटियां, डिब्बा डिब्बे, रुपए रुपए, रुपए का क्या होगा, रुपया, नदियां नदी, इस तरह करके आप लोग का चैप्टर सेवन फिनिश हुआ बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट बार मैं जब आऊँगी तो चैप्टर 8 लाऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।